मनाया जा रहा है। ये 3 दिन का मेला होता है यहाँ पे, 30, 31 और 1 जून को यहाँ पे 3 दिन का मेला होता है। ये बॉर्डर का एरिया है, ये हमारे यहाँ साथ में ही बॉर्डर है। तकरीबन यहाँ पे हर साल यहाँ पे 3 दिन का उस मनाया जाता है, और आज तकरीबन मेरा ख्याल है 30-40 हज़ार के करीब यहाँ पे लोगों का हजूम था। सुबह से लंगर, सुबह 7 बजे से लेके अभी तक लंगर चल रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन का और जो बाहर से लोग आए उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं, और जो आम इंशाल्लाह ये उस चलता रहेगा कि यादव शाह सरकार के फैज़ व करम से ये उस चलता रहेगा। देखिए आज बाबा हैदर शाह दरबार पर हम आज आए हैं, आज उसका लास्ट दिन था, तो यहाँ पर दवाहानी हुई। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों ने जो है यहाँ पर न्याज चढ़ाई, मानते माननी, और देखिए ये हमारे लोगों को ये यहाँ से फैज़ मिलता है, तो इसका सामने ये जाहिर होता है कि इतनी बड़ी आवाम जो है 30-40 हज़ार के लगभग जो है यहाँ पर आवाम आती है, दुआएं मरफत करती है और अपने बाल बच्चों के लिए, अपने मुल्क, अपने देश के लिए दुआ करती है यहाँ पर। तो हम आपके माध्यम से यही अल्लाह तबारक ताला से हम दुआ करते हैं कि इस बाबा हैदर शाह दरबार के सदक़े में हम लोगों को तामीर और तरक्की की तरफ हमारा मुल्क हो, और हमारे लोग जो हैं जो किसी परेशानी हाल में हैं अल्लाह तबारक ताला उनकी परेशानियां दूर करें, और बाबा हैदर शाह दरबार के सदक़े में हमारी भी परेशानियां दूर हों। और हम यहां पर न्याज और मन्नत चढ़ाने के लिए यहां पर आए थे, और हम अल्लाह तबारक ताला से यही दुआ करते हैं कि हमारा आना यहाँ पर कबूल हो। शुक्रिया। तो बहुत दूर से हम उस पर आए हूँ, जैसे कि माना जाता है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनके घर में बढ़िया होते हैं। मेरे घर और आसपास में जितने भी लोगों की परेशानियाँ हैं उन सब की दुआओं से मैं यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे दोस्त भी मेरे साथ आए हैं। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ही होगा, अल्लाह की मर्ज़ी से सब कुछ चलता है। तो हम भी चाहेंगे कि हमारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो रही है वो अच्छे तरीके से हो, बरकत फरमाए अल्लाह। और तो ज़ियारतों पे आना तो अच्छा होता है, हमारे माँ बाप ने यही सिखाया, तो माँ बाप की तालीम के साथ और हमारे मैडम मास्टरों की तालीम के साथ हम यहाँ पे आएँ, देखेंगे इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो। और यहाँ पे जैसे कि एक मुसलमान का हक होता है कि ज़ियारतों पे जाना और अपने पीर बाबा को मानना, तो हम यहाँ पे आए उनकी बरकत से, उनकी दुआ से अगर हमारा कुछ बनता है तो बिल्कुल बनना चाहिए। इंशाल्लाह हम दुआ भी मांग के जाएंगे। बिल्कुल जी, शुक्रिया। मैं सबसे पहले आप मीडिया साहिब का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखसूस मैं जो उर्स पाक पे मेहमान आए हैं सबको मुबारक पेश करता हूँ कि हर साल की तरह बड़े जोश खरोश से उर्स पाक में इन लोगों ने हाज़िरी दी। मैं अल्लाह के आगे दुआ करता हूँ कि इन लोगों की जो भी जायज़ मुराद है अल्लाह ताला और पीर हैदर शाह बादशाह मस्त कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पूरी करें। उसके साथ इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने आज 3 दिन से लंगर पाक में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लंगर पाक में लोगों की खिदमत की, जिसमें बिलखसूस इस छजला गांव के, रजौरी के, सुरनकोट के, ड्राहना, हर इलाके के लोग आए, इन्होंने खिदमत की। इन लोगों को मुबारक पेश करता हूँ, दुआ भी करता हूँ अल्लाह के आगे कि अल्लाह ताला ऐसे उर्स पाक हज़ारों बार इन लोगों के नसीब करे और खिदमत खालक करने का मौका मिले।